अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? यहाँ बाथरूम में होंगे। बीमारी क्या हो रहा है मारे को? डॉक्टर साहब के नजदीक आने से हमारा दिल इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? हेलो, कहाँ खो गई? मैं ठीक हूँ। वैसे कल रात को आप कहाँ थे? कमरे में क्यों नहीं आया? हॉस्पिटल में थोड़ी ज्यादा देर हो गई थी और वहां बहुत सारे मरीज थे जुकाम के, तो मैंने सोचा कि तुमसे दूर रहता हूं ताकि तुम बीमार ना हो जाओ। अरे ये ऊपर के बटन कहां चले गए? दूसरी शर्ट पहन के आता हूं मैं। डॉक्टर साहब एक मिनट, ये मैं लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं दूसरी शर्ट पहन लूंगा। जितनी देर में आप दूसरी शर्ट चूज करेंगे ना, उतनी देर में मैं लगा भी दूंगी, और वैसे भी आप पे ये रंग बहुत जचता है। मैं अभी आई। अजीब बात है, मैं जब आया था तो सारी बटन थी, अभी ऊपर की बटन सी नहीं है। अरे पापा ये बटन्स मैंने तोड़ा है, मैं मनुष्य हूँ, बट इसकी सजा माँ को नहीं मिलनी चाहिए ना, लेकिन आपको उनके पास आना होगा वरना वो अकेली रह जाएगी। साहब मारे को ना कल रात के लिए माफ कर दीजिए। कल रात मैंने भी तुमसे चढ़ के बात की, उसके लिए I'm sorry। आपकी माफी मांग रहे हैं, मुझे पता है कि आपके लिए आपका काम आपके पेशेंट्स कितने जरूरी है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के दिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन किस्मत कुछ और चाहती है क्योंकि सच्चाई कुछ और है विधि। डॉक्टर साहब आपको सुई चुप गई, मेरे को माफ कर दीजिए। क्या हॉस्पिटल से फोन होगा, मैं उठा लेता हूँ। ऐसे निकाल देती हूँ। डॉक्टर साहब के कपड़े, एक काम करती हूँ अपने कपड़ों के साथ इनके कपड़े भी धो देती हूँ।
ये क्या है? सारी मेकअप किट, कंगन, आई शैडो। डॉक्टर साहब भी ना एक बार मुझसे ऊंचे आवाज पे बात क्या कर ली, इतना बुरा लग गया उन्हें। सॉरी के साथ साथ इतने सारे गिफ्ट भी मंगा लिए मेरे लिए। एक काम करती हूँ, जाके ना अपने गिफ्ट उनसे ही मांग लेती हूँ। हेलो, हाँ मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए पर्सनल रीजन की वजह से। होप यू अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, मैं बाकी फोन करता हूँ कुछ भी होगा तो। ओके डॉक्टर साहब, ये माले है ना? हाँ तुम्हारे लिए। इतनी भारी किताब डॉक्टर साहब, ये सब क्या है? क्या है? बुक्स है और क्या है? क्यों, तुम्हें क्या लगा क्या है? वो मैंने सोचा कि। क्या सोचा? वो आपकी शेरवानी। पापा क्या हुआ? पापा आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा जाओ, जाकर पेन लेकर आओ, तुम्हारे एडमिशन का फॉर्म भरना है। लेकिन मुझे तो वापस हॉस्टल जाना है, मुझे न्यू स्कूल में नहीं जाना है। कान्हा क्या हुआ, वापस से हॉस्टल क्यों जाना है? मुझे नहीं अच्छा लगता है यार, मुझे वही अच्छा लगता है, मेरे सारे फ्रेंड्स वही है। पहले जब मैं तुम्हें भेजना चाह रहा था तब तुम्हें हॉस्टल नहीं जाना था, तुम्हारी वजह से मम्मी और मेरी शादी हुई। क्या नाटक है जूनियर? आप बच्चा है, डांट क्यों रहे? मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ। हेलो काना। काना क्या हुआ, वापस से हॉस्टल क्यों जाना है? हाँ रूम नंबर। काना रुको तो। मुझे हॉस्पिटल में थोड़ी इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अब इतनी रात को आए, थोड़ा आराम कर लेते। वो एक्चुअली ये केस मेरे अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता। सो क्या हो रहा है? अरे जूनियर, अब डॉक्टर सर, ये दोनों हमारे से इतना दूर क्यों जा रहे हैं? लिपस्टिक का दाग, इलाज करते वक्त किसी पेशेंट का लग गया होगा। मैं भी ना। अरे आप कहाँ जा रही हैं? अरे पकड़े नहीं, जाने मत देना, पकड़ो, बस पकड़े ना। छोड़ो मुझे, छोड़िए, पकड़ो इन्हें, जाने मत देना, बंद करो, क्या हो रहा है? छोड़ो, बोर्ड पर दरवाजा बंद, बोर्ड पर दरवाजा बंद। पता लेके जाइए। अब आप कहाँ गए? इस हॉस्पिटल के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेके जाओ पीछे। मैंने कहा ना मैं पागल नहीं, नहीं हूं मैं पागल, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, पकड़े, हट जाइए, आगे मत बढ़ना, मैं कह रही हूँ आगे नहीं बढ़ना, मैं खुद को मार दूंगी। हटिए, नजदीक बताइए, मेरे पास में आना। या, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आ गया है। मैंने कहा था ना कि मैं पागल नहीं हूं। मेरा पति आ गया, मेरा वंश आ गया। ये क्या करने जा रही थी तुम?
तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करती? ये लोग मुझे बांध के रखते, कहीं जाने नहीं देते, ये भी नहीं बताते कि तुम मुझे लेने कब आओगे। जिंदगी ने किस दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे। एक नए सफर से पहले ही अतीत की पुकार ने मेरे कदम रोक लिए, विधि के साथ गृह प्रवेश करने से पहले ही मेरे कल ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। डॉक्टर वंश, यही है वो जो खुद को आपकी पत्नी सिया रघुवंशी कह रही है। ये कैसे हो सकता है? सिया की मौत तो 6 साल पहले हो चुकी थी, सिया वापस कैसे आ सकती? 6 साल पहले इनके साथ क्या हुआ था इन्हें कुछ भी याद नहीं। अभी कुछ देर पहले बहुत खराब हालत में यहाँ पहुंची थी, आपका नाम ले रही थी तो हमें फोन करके आपको हॉस्पिटल बुलाना पड़ा।